हे गाइस, सो एक जबरदस्त चीज है जिस पर हम बात करेंगे और अपने थंबनेल पर देखा होगा, वो क्या है? अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, तब तो आप आराम से सीख सकते हो घर से प्रैक्टिकल नॉलेज। बहुत से रिसोर्स हैं ऑनलाइन सीखने के लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पर होता है? जब आप अदर देन आईटी चीज़ें करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, राइट, ये सब ब्रांच अगर आप हैं, ऑटोमोबाइल, तब कैसे आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे इस सिचुएशन में जब आप घर में हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? पहल फर्स्ट। सेकंड, अगर आप कॉलेज में हैं तब भी आपका जो प्रैक्टिकल होता है ना, कभी कॉलेजेस में, मैक्सिमम कॉलेजेस में तो अच्छे से लैब्स नहीं है, लैब्स हैं तो लैब करते नहीं बच्चे, अगर लैब करना चाहते हैं बच्चे तब भी टीचर अच्छा नहीं है, जो इंस्ट्रक्टर उनको नहीं आता है। ये प्रॉब्लम्स है इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस में। कुछ कॉलेज अच्छे हैं डेफिनेटली, बट बहुत से कॉलेजेस में इस तरह का प्रॉब्लम मैंने बच्चों से सुना है, मैंने खुद भी इसको ऑब्जर्व किया है, बिकॉज मैं यूजुअली कॉलेजेस विजिट करता रहता हूँ बहुत सारे, ठीक है, इवन बिफोर पैंडेमिक तो बहुत विजिट करा है, अभी थोड़ा कम हो गया। सो हम प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करेंगे कि प्रैक्टिकल टिप्स में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाएंगे, राइट। अब पहला क्वेश्चन आपका आता है, एक एक करके आंसर बताऊंगा जो आप लोग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इन जनरल जो बच्चों के दिमाग पर रहता है, स्टूडेंट के दिमाग में, कि सर प्रैक्टिकल टिप्स कब से लेना शुरू करूं? तो बेस्ट क्या है? अभी से, नाउ। आप फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, राइट, प्रैक्टिकल टिप्स जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब से स्टार्ट कर दो लेना। अब लोग क्यों जी मैं फर्स्ट ईयर में क्या जरूरत है, यहां पर प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल टिप्स से फायदा क्या, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, टिप्स में बोलूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बोलूंगा मैं, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसका फायदा क्या है? आप जब जाते हो जॉब के लिए, नौकरी जब करोगे जाके, तो वहां पर प्रैक्टिकल काम होगा। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई थियोरेटिकल बातें आपसे कोई नहीं वहां पर करना काम, मतलब लिखना पड़ेगा। टीचिंग जब मैं जा रहे हो तो ठीक है, कंपनी में काम करो तो प्रैक्टिकल चीजें होगा। प्रैक्टिकल चीज कैसे सीखोगे मैं आपको बताऊंगा, बट सीखना स्टार्ट कर दीजिए जितना, जब भी आप स्टार्ट करना चाहें, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया, पहला। दूसरा चीज क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, सर मैं तो घर में हूं, कहां से प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल टिप्स, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे लूं? यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हर चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना घर में बैठ के थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मान लो आप इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं, घर में जो खराब चीजें हैं, खराब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, आप उनको खोल के देख सकते हो, उनका मैकेनिज्म क्या रहता है, कैसे वो काम करता है। फिर क्या होगा, जैसे मोबाइल जो खराब हो गया, उस जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, खोल के देख सकता है अंदर क्या क्या होता है, क्या कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा कंपोनेंट क्या बोलते हैं, कौन से कंपोनेंट क्या काम होता है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा धीरे धीरे करके, एटलीस्ट मोबाइल खोलना सीख जाओगे, बिकॉज मोबाइल, सारे मोबाइल जो खुलते हैं सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, हालांकि सबको डिब्बा जो होता है ओपन करना पड़ता है, बट सबका थोड़ा थोड़ा अलग प्रोसेस है हर एक मोबाइल डिवाइसेस का। तो आप जब इस तरह का चीजें करेंगे, ओपन करना शुरू करेंगे, खोलना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, आपके हाथ का स्किल आना शुरू होगा, हाथ काम आप सीखना शुरू करेंगे, और इंडस्ट्रीज में हाथ तक काम होता है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें और आपको सीखने को मिलेगा जो इन जनरल आपको नहीं पता होगा एज ए कॉलेज स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया। मान लो आप मैकेनिकल से हैं तो क्या करेंगे, सिविल से हैं तो सिविल से आराम से बिल्डिंग जहाँ बन रहा है वहाँ पर जाके जा देख सकते हो कैसे बन रहा है बिल्डिंग, मिस्त्री से पूछ सकते हो उसका नॉलेज होता है, कहाँ पर कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, कितने रेशो में यूज़ करते हैं, कौन सा कैटेगरी का सीमेंट कौन से केस में यूज़ करते हैं, राइट, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, रस्टिंग से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी जहाँ पर ज़्यादा है मतलब लेयर कम है वहाँ पर कैसे बिल्डिंगें बनाते हैं, ये सब आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा अगर आप उस फील्ड से हैं। अगर आप मैकेनिकल से हो तो कहीं मैकेनिक आसपास बहुत सारे होंगे, आप देखो जब बाइक खुलता है, आप बाइक सर्विसिंग के लिए ले जाओ, देखो बाइक जब खुल रहा है कि वो, आप खुद खोलो दो चार नट, उसको बोलो आप बताओ मैं खोलता हूँ, राइट, जो थोड़े सेमी स्किल होते हो आपको बताएगा, दोनों वहां पर जाके देखो, खोल के देखो कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर आपको ऐसे क्या होगा, स्लोली स्लोली नॉलेज आएगा हर चीज का, प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर ये फर्स्ट ईयर में करते हैं, मान लो आप सिर्फ एक दिन इस तरह काम करते हो 7 दिन में भी,
तो आप क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा, आपका फिर एक ना इंटरेस्ट जैसे आता है आप फिर नया चीज सोचना शुरू करोगे, ऐसा कर सकते हैं ना, इसमें कुछ इनोवेशन हो सकता है। फिर आप बातें डिस्कस करोगे दूसरे लोगों के साथ, फिर क्या होगा, आपका ना पैशन बन जाएगा एक दो साल में, तीन साल में, राइट। पैशन ऐसे दिमाग से नहीं होता है भाई, पैशन काम करने से ही पता लगता है, और इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली नहीं आता है। जो आप देख के इंटरेस्ट बोलते हो इंटरेस्ट नहीं होता, अट्रैक्शन होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे लेना है आपको बता दिया। अच्छा, तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये नॉलेज की जरूरत क्या है भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज लूं क्यों मैं, प्रैक्टिकल जो स्किल है लूं क्यों मैं, क्या रीजन है लेने का। ये क्वेश्चन वो पूछता है जिनको पता है इंजीनियर करते क्या है। जो इंजीनियर हैं वो इन जनरल क्या होता है, जो रियल इंजीनियर होता है, मतलब बहुत सारे काम भी करते हैं, बट जो इंजीनियर होता है वो क्या होता है, आपका जो पोस्ट होता है ना वो एक तरह का सुपरवाइजर का पोस्ट जाता है वो, राइट। वो कोई वर्कर नहीं होता है जाके काम करेगा मशीन में, मशीन ऑपरेटर नहीं होता है इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर नहीं होता है इंजीनियर, मशीन को ऑपरेट नहीं करता है। मशीन को ऑपरेट कौन करता है, आपका जो वर्कर होते हैं, ITI होते हैं, डिप्लोमा वाले होते हैं, ये मशीन को ऑपरेट करते हैं। बीटेक वाला ये सब काम नहीं करता है भाई, इंजीनियर नहीं करता है ये सब काम इन जनरल। बहुत सारे को मिलता है काम इस तरह, बिकॉज उनको अच्छा जॉब मिल नहीं पाता इसलिए कर लेते हैं, बट बीटेक वाला क्या करता है, सुपरवाइजर बनता है। मतलब क्या है, ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इनका काम देखना, इनसे काम निकलवाना, एक टारगेट मिलता है, एक टारगेट मिलता है इनको, एक टारगेट मिलता है, उस टारगेट को अचीव करना, मतलब आपका काम क्या होगा, लीडरशिप का होगा। आप बोलोगे सर अगर मेरा काम ही है मैनेजमेंट का, अगर इसीलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, तीन चार सब्जेक्ट मैनेजमेंट के होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, राइट, जिसमें तीन चार सब्जेक्ट होते हैं इन जनरल, दो मिनिमम और तीन भी होता है कहीं कहीं, वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी थोड़ा वैरी करता है। तो मैनेजमेंट काम करना पड़ता है लीडरशिप क्वालिटी का। तो बोलोगे सर जब मेरे को लीडरशिप क्वालिटी करना है तो ये क्यों सीखूं मैं, रीजन है इसके पीछे, सबसे बड़ा रीजन क्या है, आप कौन से डिपार्टमेंट जाएंगे कुछ नहीं पता। पहली बात, जब बीटेक का बच्चे का प्लेसमेंट होता है, राइट, चाहे किसी भी ब्रांच का हो, वो बहुत से स्टूडेंट को ऑप्शन रहता है चूज करने का, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को ऑप्शन नहीं रहता है चूज करने का, कंपनी में जहां पर रिक्वायरमेंट होता है वहां पर भेज देता है, भैया वहां पर वैकेंसी है इसको वहां पर भेजो, चार बच्चों को वहां भेजो, चार बच्चों को, ऐसे होता है। तो अगर ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं ऑप्शन तो क्या करोगे, पहला जॉब मिला करना चाहिए, बाद में स्विच कर सकते हो अपने मनचाहे डिपार्टमेंट में। तो हर डिपार्टमेंट काम अलग होता है भाई, हर डिपार्टमेंट सुपरवाइजर ऐसा नहीं होता सुपरवाइजर बैठ बैठ के देखेगा। अगर प्रोडक्शन की बात करो, सुपरवाइजर इन जनरल काम नहीं करता है, उसको तब तकलीफ होता है जब उसका जूनियर काम नहीं कर पा रहा है, उसको सिखाना होता है, मतलब सुपरवाइजर एक तरह का टीचर होता है बोल सकते हो। मान लो आपका जो अंदर बच्चा है वो कर नहीं पा रहा है कोई काम, आप उसको करके दोगे ना, कैसे करेगा वो, जब आपको आएगा ही नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे करके दोगे। अगर आपको आएगा ही नहीं, आपको सुपरवाइजर बना दिया, तो फिर आप क्या होता है आपको पता है, आप अपने टीचर क्या करते हैं, जो टीचर बेचारा नया आता है पढ़ाने के लिए क्या करते हो क्लास में, पता है ना, वो दिन रिपीट होगा फिर, है कि नहीं, पता है कि नहीं, हाँ ये पता होगा, मुझे पता है, हर हर कॉलेज में हर ब्रांच के बच्चे इस तरह को महसूस करते हैं, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में, हर एक जगह पर ऐसा चीज होता है। फिर आप पीछे बैकबाइट भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं पता है, पता तो होगा लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, पता नहीं होता तो स्कूल वाले कॉलेज वाले तो ना रखते। तो यहाँ पर भी इसको जो कर नहीं पाता है, जिसका मजाक उड़ाते हैं, जिसको ITI वाले डिप्लोमा वाले क्या बोलते हैं, ऐसा ही बना दिया इसको, ये तो ऐसे ही जैक से आया बोलते देंगे, बोल देंगे, इसका मतलब थोड़ा ना आपको बीटेक आपने नहीं किया, बीटेक किया है लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ भी, मतलब अगर आपको आगे ग्रो भी करना है तो भी आपको आना चाहिए ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो कोई डिपार्टमेंट मिला अदर देन दिस वन, प्रोडक्शन वन, तो मान लो क्वालिटी मिला आपको, वहाँ पर भी सेम केस है, मान लो R&D मिल गया तो वहाँ पर काम करना पड़ेगा भाई, वहाँ बैठे से क्यों नहीं होगा, वहाँ पर काम खुद हाथ से करना पड़ेगा R&D में। अगर मान लो डिज़ाइन डिपार्टमेंट मिला, वैसे इंजीनियर मिलता नहीं है जो नॉर्मल कॉलेज के बच्चे को डिज़ाइन डिपार्टमेंट इन जनरल, तो वहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आपको ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट वेरी करता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट पता आसान होता है बहुत ज़्यादा, और ग्रोथ भी इसीलिए कम भी होता है, आसान मतलब ग्रोथ कम, सिंपल सी बात है ये। फिर इसीलिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपने क्या बात करा, प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों चाहिए, पहला कैसे लोगे, दूसरा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है
प्रिकॉशन भैया, प्रिकॉशन लो। प्रैक्टिकल नॉलेज चेक कर, मैं अपना हाथ पैर तुड़वा मत लेना या फिर जला मत लेना। आप हमेशा अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो हमेशा जब आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत कम वोल्टेज में आप बहुत कम एम्पेयर में क्या करिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए। अदरवाइज आपको जो मतलब हार्म हो सकता है। ऐसे छोटे में बहुत ज़्यादा सहारत था, मैं आपको किसी को बताया नहीं, घर वालों को नहीं बताया। हमारे गांव में नया इलेक्ट्रिसिटी आया था, जब छोटा था मैं, लगभग 9th class या 10th class में होऊंगा, तो नया नया हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आया था। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी हमारे गांव में था ही नहीं, रोड भी नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आया तो छोटे छोटे बल्ब नहीं आते हैं, जिसको बल्ब को हम जलाते हैं दिवाली में, ठीक है। तो दिवाली में, दिवाली अच्छे से मनाते हैं हमारे उधर, काफ़ी अच्छा, मतलब दिवाली के टाइम सब घर में दिया मोमबत्ती उस टाइम जलता था उससे पहले, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो दिया मोमबत्ती जो जलेंगे, लेकिन ये जो लाइट बल्ब बल्ब होता है, छोटे छोटे बल्ब उसको लगाना होता है। तो एक बार क्या हुआ, मेरा जो लंबा सा होता है, बहुत सारे होते हैं, एक ख़राब हो गया। तो मैंने क्या करा, एक छोटा सा बल्ब उसमें लगा दिया, जो आपका 220 वोल्ट होता है उसमें लगा दिया और स्विच दे दिया, वो ब्लास्ट होके मेरे आंख के सामने से निकल गया। अगर मान लो मैं आंख में निकल लगता तो स्वभाव हो जाता मेरे एक आंख, ठीक है, या पता नहीं क्या होता है, ठीक है, बिकॉज आंख एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होता है। तो इसीलिए कोई भी काम करते हैं आप किसी के सुपरविजन में या फिर किसी के अंडर काम करिए, मतलब पूछ के करिए कि ये चीज़ करा जा सकता है क्या, खुद एक्सप्लेन करने मत लग जाना, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा फैटल हो सकता है, राइट। जैसे मान लो बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे आपने सुना होगा कि कुछ बना रहा था विदाउट एनी सुपरविजन और उसका डेथ हो गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल नॉलेज का चेक करने प्रॉब्लम आ सकता है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हर वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले, आधा उधरा ज्ञान लेके कोई फ़ायदा नहीं है, इधर भी एक बार दो सेकंड उधर दो सेकंड कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा नॉलेज लो, उसे सीखो, कुछ समझो, आगे काम आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।